कुछ फिल्टर्स के बारे में बात करेंगे हम, जैसे साइक्लोन फिल्टर, फैब्रिक फिल्टर, ग्रेविटेशनल फिल्टर, बैग फिल्टर, बैग हाउस और फिल्टर, थोड़ा थोड़ा बस ऐसी एक ब्रीफ है। तो सबसे पहले ये आ रहा है बैग हाउस एंड फिल्टर, इसको फैब्रिक फिल्टर भी बोलते हैं। ठीक, ये काम करता है वैक्यूम पार्टिकल्स होते हैं वो वहां पे कलेक्ट हो जाते हैं, फिल्टर को पास नहीं कर पाते। ठीक है, तो सेम ये वही चीज ये कर रहा है इसमें भी। दिस मेथड इज मोस्ट ऑफन यूज टाइप ऑफ डिवाइस विच इज रिक्वायर्ड टू मीट एनी फ्यूचर स्टैंडर्ड ऑफ लिमिटिंग द इमिशन ऑफ रेस्पिरेशन पार्टिकल्स। द कलेक्शन एफिशिएंसी वेरी हाई इवन ऑफ द पार्टिकल ऑफ 0.01 माइक्रोमीटर। ये एफिशिएंसी डिपेंड करती है आपकी फिल्टर के ऊपर। द फैब्रिक फिल्टर और बैग हाउस, मैंने अभी कहा ना फैब्रिक फिल्टर को ही बैग हाउस भी कह सकते हैं, अलग से भी इसको डिफाइन किया गया है। रिमूव डस्ट फ्रॉम ए गैस स्ट्रीम बाय पासिंग स्टीम थ्रू ए पोरस फैब्रिक। द फैब्रिक फिल्टर एफिशिएंसी एट रिमूविंग द फाइन पार्टिकल कैन एक्सीड एफिशिएंसी ऑफ 99%। दिस इज द मोस्ट एप्लीकेशन। ये केवल पार्टिकल्स के लिए, गैस के लिए नहीं है। ठीक है, सेम एज वैक्यूम क्लीनर की तरह करता है, फिल्टर होता है आपका। फिल्टर जितना ज़्यादा उसके जो वॉइड्स होते हैं जितने ज़्यादा छोटे होंगे वो उतना ही ज़्यादा फिल्टर कर पाएगा उतने छोटे पार्टिकल्स को। ठीक है, तो इसमें कई सारे फिल्टर लगे होते हैं, ऐसा नहीं होता कि डायरेक्टली एक 0.005 माइक्रोमीटर का कोई फिल्टर लगा हुआ है, ऐसे नहीं होता। फिल्टर की रेंज होती है, एक लाइन से लगे होते हैं। सबसे पहले मान लो लगा हुआ 1 माइक्रोमीटर का, फिर लगा हुआ है 0.5, इस तरह से फिल्टर लगे होते हैं। और इस तरह से जो हमारा डस्ट पार्टिकल्स है, जो भी पार्टिकल पॉल्यूटेंट है, वो साइज के हिसाब से भी अलग अलग सेपरेट हो जाता है। नेक्स्ट फैब्रिक फिल्टर। फैब्रिक फिल्टर यूज फॉर रिमूविंग पर्टिकुलेट मैटर लाइक ए वैक्यूम क्लीनर। जो अभी कही वही बात ये कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, हाउ इट वर्क्स, डर्टी गैसेस एंड पासेस थ्रू फैब्रिक फिल्टर बैग्स। द डस्ट पार्टिकल इन द बैग शेक द बैग पीरियडिकली सिमिलरली टू द स्टैंड फिल्टर सैंड फिल्टर यूज इन द मैनेजमेंट ऑफ क्वालिटी ऑफ वाटर। ठीक है, सैंड फिल्टर जो होता है पानी की क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए, सेम ये वैसे ही काम करता है, सेम एज वैक्यूम क्लीनर की तरह काम करता है। क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं हमारे, डर्टी पार्टिकल जो पॉल्यूटेंट है, वो एक बैग में इकट्ठे हो जाते हैं, इसलिए इसे बैग फिल्टर भी हम कह देते हैं। उसको शेक करते रहना होता है क्योंकि उसके सरफेस से चिपके न जाए। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से ऑपरेटर काम करता है। सिंगल साइक्लोन सेपरेटर, नाम से पता चल रहा है कि सिंगल है, इसका मतलब मल्टी भी होते होंगे। हाँ, मल्टी भी होते हैं साइक्लोन सेपरेटर। फिगर है, सरफेस पे आपके अलग हो जाते हैं। द मेन वोर्टेक्स स्पाइरल डाउनवर्ड कैरीज मोस्ट ऑफ द फोर्स पार्टिकल। तब पे क्या लगा होता है, क्या बोलते हैं, नाम भी मैं भूल गया उसको, जो कलेक्ट करता है आगे आता है, तो इनर वोर्टेक्स पार्ट। ठीक है, मल्टी भी लगे होते हैं आपके, इस तरह से मल्टी कनेक्ट है, पहले एक जगह फिल्टर हुआ फिर दूसरे फिल्टर हुआ फिर हमारी गैस निकल गई। इसका काम ये है, इस पे डस्ट पार्टिकल उस पर सेटल ना हो, नीचे डाउन होके किसी एक चीज में वो इसका स्ट्रक्चर बना होता है कि जो हवा एक इनपुट होगी तो दूसरी, जब उसका क्या हो जाएगा आउटपुट होने, इसकी गैस की क्या हो जाएगी, एक साइक्लोन टाइप का बन जाएगा। और जब इस तरह से
चीज घूमती है तो एक फोर्स हमें लगता है जो हमें दूर फेंकता है, क्या होता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, ठीक है। और यहाँ पर क्या है, हमारी सरफेस है, तो इस सरफेस पे जैसे ही पार्टिकल टकराएगा वो इस सरफेस के थ्रू नीचे आके आपका कलेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आपका साइक्लोन सेपरेटर काम करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, ये कई बार मैं बता चुका हूँ, ये ज़्यादा मार्क्स का आता है, ठीक है। इसका पूरा वर्किंग प्रिंसिपल, इसका डायग्राम, इसकी एडवांटेज, इसकी डिसएडवांटेज वो आती है। एक बार संदीप सर थोड़ा सा इसे एक्सप्लेन कर चुके हैं कि कैसे हम एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड बनाते हैं, जहाँ पे आते हैं आपका क्या होता है कि जो सेम चार्ज होते हैं वो रिपेल करते हैं और जो अपोजिट होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और इसी चीज़ का यूज़ करके हम डस्ट पार्टिकल्स को हम रिमूव करते हैं इसमें से, एयर में से, डर्ट एयर में से। तो क्या प्रिंसिपल है इसका, द पार्टिकल्स गैस स्ट्रीम आर चार्ज बाय पासिंग देम थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड, द चार्ज पार्टिकल थ्रू कलेक्टर प्लेट, द कलेक्टर प्लेट कैरी चार्ज टू दैट इन पार्टिकल्स, द पार्टिकल्स आर अटैच इन दिस कलेक्टर प्लेट एंड दोज रिमूव, डिफरेंट चार्जेस होते हैं। अब गैस डर्टी गैस से पास हुई इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड से, तो वो उसके जो पार्टिकल पोल्यूटेंट पार्टिकल्स है वो चार्ज हो गए, कुछ पॉजिटिव हो गए उनका अपना, कुछ नेगेटिव हो गए, ठीक है। और यहाँ पे हमारे पास दो प्लेट हैं जो एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, तो क्या होगा, ये पॉजिटिव के पास से रिपेल करेगा इधर की ओर जाएगा और ये नेगेटिव से अट्रैक्ट होकर इस प्लेट पे टकराएगा और ये इधर टकराएगा, ये नीचे जाके हमारे कलेक्ट करेंगे, ऐसे सरफेस पे भी कलेक्ट हो जाएंगे, प्लेट्स के ऊपर हॉरिजॉन्टल प्लेट है तो वहाँ पे वो पार्टिकल्स कलेक्ट हो जाएंगे, यही इसका प्रिंसिपल है। कंस्ट्रक्शन एंड ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, चार्जिंग इलेक्ट्रो इन द फॉर्म ऑफ थिन वायर प्लेस इन द पाथ ऑफ द इन्फ्लुएंस्ड गैस, द चार्जिंग इलेक्ट्रो जनरेट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉनिक फील्ड विद चार्ज पार्टिकल्स दे फ्लोट, जो मैंने बात कही है वही ये बात कह रहा है कि हमारे पास एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड होता है जो हम वायर्स के थ्रू जनरेट करते हैं, इसके लिए इलेक्ट्रिसिटी भी चाहिए, पावर भी चाहिए, ठीक है। और वहाँ से जब गैस पास होती है तो उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं, हमारे चार्ज हो जाते हैं। दोबारा मैं बता रहा हूँ कि इसको आप अगर पीयूई होता है जैसे भी, ऑनलाइन होता है ऑफलाइन, तो ये क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा और मैक्सिमम मार्क्स का आएगा, ये ईएसपी पिछले साल भी आ चुका है, ये हर साल मैंने जितने भी पॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर देखे हैं, एम टेक के हों या बी टेक के हों, क्योंकि इस सब्जेक्ट का नाम शायद चेंज हुआ है, पहले कुछ और था, इस पिछले साल तो यही था, तो अलग अलग नाम से जितनी मैंने क्वेश्चन पेपर डाउनलोड किए थे उन सभी में लगभग 90% क्वेश्चन पेपर में ये वाला हुआ था ESP का, वो भी फुल 10 मार्क्स में। इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, क्या है, कैसे काम करता है, एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या है, इसका डायग्राम बना दो, ठीक है। तो ESP को अच्छे से पढ़ लेंगे। Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4 स्टैंडर्ड्स हैं आपके, ठीक है। तो इसमें देखो यूरो आपको 6 यूरो दिए हुए हैं, क्योंकि यूरोपियन जो आपका स्टैंडर्ड से ये आपका बनाए हैं स्टैंडर्ड, ये न्यू मॉडल इसका जो अप्रूवल हुआ 1 जुलाई 1992 को और न्यू रजिस्ट्रेशन 31 दिसंबर 1992। इसमें क्या होता है, यूरो 1 के अकॉर्डिंग जो हमारे व्हीकल्स हैं पेट्रोल का हो या डीजल का हो, उसमें जो इमिशन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन सल्फेट के जो पोल्यूटेंट हैं उनका जो रेट है इमिशन रेट, उसका एक स्टैंडर्ड दिया हुआ है पेट्रोल के लिए अलग और डीजल के लिए अलग, तो दिया हुआ है 970 मिलीग्राम पर किलोमीटर, किसके लिए, यूरो 1 के लिए। यानी कि सारे व्हीकल्स हमारे इस टाइम के इस समय पे जो कंस्ट्रक्शन जो मैन्युफैक्चर कंपनी बनाएगी वो इसको पास करने चाहिए यूरो 1 को, तभी उसको आप सेल कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ कि यूरो 2 आया 1996 में, इम्प्रूव होते रहते हैं, ठीक है। तो 1996 में ये आया और 1997 से जो न्यू रजिस्ट्रेशन थे वहाँ पे लागू हुआ, वहाँ पे इसका क्या हो गया, आपका जो पेट्रोल में इमिशन रेट है वो हो गया 500 मिलीग्राम पर किलोमीटर और ये हो गया आपका
900 मिलीग्राम पर किलोमीटर यूरो 2 के अंदर। तो इससे आप एक बात समझ रहे हो, जैसे जैसे यूरो स्टैंडर्ड बढ़ते जा रहा है व्हीकल का इमिशन रेट कम हो रहा है, यानी कि वो ज़्यादा इको फ्रेंडली हो रहे हैं। ठीक है, तो 2000 में, फर्स्ट जनवरी 2000 में यूरो 3 आया, जिसमें आपका और कम इमिशन हो गया, 150 पेट्रोल में और 500 डीजल में। फिर यूरो 4 आया आपका जनवरी 2005 में, जिसका 80 हो गया पेट्रोल के लिए और 250 हो गया डीजल के लिए। अब ये डीजल के लिए इतना कम रिड्यूस हो रहा है और पेट्रोल के लिए ज़्यादा रिड्यूस हो रहा है, अभी इसका डिटेल में नहीं जाएंगे, हम मैंने भी नहीं पढ़ा है, जा रहा है। ठीक है, यूरो 5 है जो 2009 में लागू हुआ, उसमें पेट्रोल के लिए 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर और 180 मिलीग्राम पर किलोमीटर। लेकिन अगर देखा जाए 1992 में व्हीकल्स भी कम थे, आज व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं, कुछ ज़्यादा ही हैं। ठीक है, यूरो 6 2014 में, और अभी शायद यही चल रहा है, और इसका 60 मिलीग्राम पर किलोमीटर फॉर पेट्रोल और 80 मिलीग्राम पर किलोमीटर फॉर डीजल। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है कि जो ऑटोमोबाइल्स हैं, यानी व्हीकल्स की जो बात कर रहे हैं हम, उनमें जो इमिशन हो रहा है उनको कैसे हम रेट को कम करें। ठीक है, एक तो हो गया आपके पास अपनी पर्सनल कार है उसका आप कम कर रहे हो, एक हो गया जो मैन्युफैक्चर कंपनी है जो कार को मैन्युफैक्चर कर रही हैं उनको ये स्टैंडर्ड पास करने हैं तभी वो कार को सेल कर सकते हैं। और वो पास करने के लिए इस स्टैंडर्ड को क्या क्या करते हैं, एक तो बताया था आपको क्या कैटलिस्ट, आपको एक बताया था मल्टी लाइन एयर इंजेक्शन फ्यूल इंजेक्शन वाला सिस्टम बताया था, एक आपको बताया था कि क्या कहते हैं आपका सर्विसिंग, तो आप पर्सनल जिसके पास व्हीकल है उसको करानी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग क्या करते हैं ये करते हैं। एक होता है जो आपका वो होता है जहाँ पे ऑयल फ्यूल आपका कंबस्ट होता है, वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे इनलेट आउटलेट इस तरह से बनाए जाते हैं जिससे जो प्रोपोर्शन है एयर का और फ्यूल का वो बहुत अच्छे से बिल्कुल एक बेस्ट प्रोपोर्शन जो होगा वो मिल सके और कम पॉल्यूटेंट इमिट हो सके। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं डिज़ाइन में लाने के लिए जिससे हमारा जो व्हीकल है कम से कम जो पॉल्यूटेंट है उसको इमिट करे। ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर नाम से पता चल रहा है कि ग्रेविटी की हेल्प से जो पार्टिकल्स के बारे में बात करेंगे, गैसेस पे तो ग्रेविटी इतना इफेक्टिव नहीं होती, तो पार्टिकल्स को हम ग्रेविटी की हेल्प से कैसे सेटल करें और कैसे उनको कलेक्ट करें, कैसे रिमूव करें एयर से, तो इसलिए काम आता है हमारा ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। इसका डायग्राम बहुत सिंपल है, तो जितना भी डायग्राम्स है वो सिंपल सिंपल डायग्राम नेट से ढूंढ लेना, जैसे ESP का सिंपल सा ढूंढ लेना, बहुत बड़े बड़े टिपिकल डायग्राम भी गिवन है, सिंपल सिंपल से डायग्राम ढूंढ के उनकी प्रैक्टिस कर लेना, डायग्राम जरूर बनाना। यूज टू रिमूव पार्टिकल्स विद द साइज ग्रेटर देन 50 माइक्रोमीटर, वेलोसिटी ऑफ फ्लू गैस रिड्यूस इन द लार्ज चैम्बर, पार्टिकल्स सेटल अंडर वेलोसिटी फॉर ग्रेविटेशनल फोर्स, पार्टिकुलेट मैटर सेटल बाय इट्स ऑन वेट बाय लोअरिंग द फ्लू गैस वेलोसिटी। जब जो हमारी गैस है एयर की बात हो रही है उसकी वेलोसिटी बहुत कम होगी ना, तभी हमारे पार्टिकल्स वो धीरे धीरे ग्रेविटी की वजह से सेटल होंगे। ठीक है, अगर उसकी वेलोसिटी ज़्यादा होगी तो वेलोसिटी के साथ बहेंगे, वो सेटल नहीं होंगे। तो मेन जो हमारा इसका डिवाइस को इस तरह से मैन्युफैक्चर करना है कि उसकी वेलोसिटी एकदम से कम हो जाए। ठीक है, अगर स्मॉल एरिया में से कोई एयर इंजेक्ट की जाती है और एकदम से उसे एक बड़ा एरिया मिल जाता है तो वहाँ पे वेलोसिटी कम हो जाती है, ये भी इसका डिज़ाइन का पर्पस है। तो इसका जो डिज़ाइन है वो साइज पे ही मैटर करता है और कुछ इसमें ऐसा है नहीं, इसमें बिजली नहीं चाहिए, इसमें कुछ नहीं चाहिए, इसका साइज़ बड़ा हो सकता है। ठीक है, और इसका एफिशिएंसी जो है वो कम है थोड़ी, मतलब एफिशिएंसी तो ज़्यादा है बट पार्टिकल्स जो है वो ज़्यादा छोटे पार्टिकल्स को नहीं कर पाता। ठीक है, तो ये है आपका ग्रेविटेशनल सेटलिंग चैम्बर। वेट स्क्रबर है लास्ट, इसके बाद मैं छोड़ दूंगा क्लास जल्दी। वेट स्क्रबर आर वेट यानी कि कुछ हम इसमें लिक्विड यूज कर रहे हैं, स्प्रे यूज कर रहे हैं,
Wet scrubber are air pollutant control device for removing particles and gas from the industrial exhaust stream. It is operated by introduce the dirty by gas stream, the liquid correct scrubber. होता क्या है, एक तरफ से एयर पास की जाती है और लिक्विड स्प्रे किया जाता है, ठीक है. लिक्विड स्प्रे किया जाता है, जो पार्टिकल्स हैं वो क्या होते हैं, वो वेपर्स के साथ, वाटर ड्रॉप्स के साथ वो मिक्स होके वो पानी में मिल जाते हैं और प्योर एयर हमारी निकल जाती है. जैसा कि मैं एग्जांपल दे चुका है रेन का, ठीक है. रेन होने के बाद थोड़ा हमें एटमॉस्फेयर क्लीन सा नज़र आता है, क्योंकि वही जो पार्टिकल्स होते हैं, डस्ट होती है, वो सब नीचे बैठ जाती है. बट इसमें लॉस क्या है कि पानी गंदा निकल रहा है, हम एक एयर को क्लीन कर रहे हैं लेकिन हम वाटर पोल्यूटेंट बढ़ा रहे हैं, ठीक है. फिर उस वाटर को कहाँ डिस्पोज करें या फिर उसको फिर हम क्लीन करें, तो ये इसका डिसएडवांटेज है, इंडस्ट्री में लगे होते हैं. तो ये है आपका वेट स्क्रबर. ठीक है, आज के टॉपिक यही थे, रिपीट चीजें होंगी. अब 26 स्टूडेंट हैं, मैं अटेंडेंस डाउनलोड कर रहा हूँ, उसके बाद आप लीव कर सकते हो क्लास को. और ये सारे लेक्चर आप ओलंपस पे देख सकते हो. ओलंपस पे ना मिले तो आप यूट्यूब चैनल इंजीनियर्स फॉर सिविल जो था मेरा पुराना वाला, मैं उसी पे भी अपलोड कर देता हूँ, वहाँ पर भी देख सकते हो अगर कुछ चीज़ आपको देखनी है तो.